शनिवार को साइंस सिटी सभागार में दामोदर घाटी निगम के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष पीके मुखोपाध्याय के साथ ही डीवीसी के कई आला अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर विष्णु सक्सेना, पद्मश्री मुकुंद नायक एवं भुवनेश्वरी अमिता द्वारा हास्य कविता एवं गीत संगीत की प्रदर्शनी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दामोदर घाटी निगम का लक्ष्य महारत्न संस्थान बनने का होना चाहिए और इस लक्ष्य को पाने के लिए काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। उसको रखने के लिए बहुत जमीन चाहिए, करीब 24-25 हज़ार एकड़ चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी सिल्ट निकालेंगे तो 10-12 हज़ार करोड़ खर्च होगा। एक तो ये है, दूसरा ये है जो ड्रेजिंग की आवश्यकता है वो डाउनस्ट्रीम में है, जो डैम्स हैं डीवीसी के उसके डाउनस्ट्रीम में वो भर गया है। तो जितना पानी ये पहले रिलीज़ करते थे उतना ही रिलीज़ करते हैं, लेकिन चूंकि डाउनस्ट्रीम में सिल्ट जमा हो गया है तो वो तुरंत ओवरफ्लो कर जाता है। क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमने कहा है डीवीसी को कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ बैठ करके और एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके देखें कि क्या कर सकते हैं।